इस वक्त की बड़ी खबर भिलवाड़ा से सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक दिवसीय दौरे पर भिलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने परिवर्तन संकल्प यात्रा में शिरकत की। वहीं भिलवाड़ा शहर के सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने हाल ही में हुए घटनाक्रम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में भारतीय सेना के 2 अफसर और जम्मू कश्मीर के DSP शहीद हो गए। इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज द्वारा दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसा है। वहीं केंद्रीय मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने पत्रकारों को बैन करने के मामले में भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पहले तो आप सबका आभार कि आप इतनी देर रात्रि भी मिलने के लिए आए, इससे दिखाता है कि देश का मीडिया पल पल की खबर जन जन तक पहुंचाने के लिए कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। और जब मैं उस राज्य में हूं जो कभी अपनी सादगी, अपनी सुंदरता, अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में ना जाने किसकी नज़र लगी, कैसी सरकार चली कि आज देश में सबसे ज़्यादा महिला अपराध की घटनाएं किसी राज्य में है, तो 2 लाख मुकदमे राजस्थान में दर्ज होते हैं, लगभग 35,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। और यहीं से कुछ दूरी पे एक 15 साल की बेटी, उसके साथ बलात्कार करके टुकड़े करके जिस तरह से उसको मार दिया जाता है, और प्रदेश की सरकार सोई नहीं जागती। कुछ दिन पहले एक और ऐसी घटना घटी जहां एक और महिला को उठाकर गैंग रेप किया गया और निर्वस्त करके सड़क पर पटक दिया। दुर्भाग्य यह है कि यहां की सरकार ने फिर उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया कि कहीं प्रियंका गांधी जी की यात्रा पर कोई फर्क ना पड़े, झूठ भी बोल दिया, लेकिन शाम को वो सच फिर बाहर निकल कर आया। ऐसी हजारों बहन बेटियों और माताओं के साथ राजस्थान की इस पावन धरती पर दुष्कर्म हुए, उनकी हत्या और अपराध के मामले आए, लेकिन गहलोत जी की सरकार सोई रही और इनके कुछ मंत्री छाती चौड़ी कर करके कहते रहे ये मर्दों का प्रदेश है, और मुख्यमंत्री हंसते रहे। आज देश हंस रहा है ऐसी सरकार के ऊपर जो कानून व्यवस्था जिनके समय चरमरा गई, अपराधी घटनाएं बढ़ गई। दूसरा, लूट की खुली छूट, चाहे वो खनन माफिया हो, भू माफिया हो, पेपर लीकेज के मामले हो, भ्रष्टाचार हो, महिला अपराध हो, गैंग रेप हो या गैंग वॉर हो, एक के बाद दूसरा मैं गिनाऊं तो इन सब अपराधों में, भ्रष्टाचार में, लूट में राजस्थान नंबर 1 की दिशा में। और लूट की खुली छूट किसी और ने नहीं, यह लूट सरकार ने दे रखी है, लूट ही लूट। अब आज की जो यात्रा मैंने एक दिन की ही रही, लेकिन क्या लोगों में उत्साह जोश है कि ऐसा लगता है कि आज चुनाव हो जाए तो आज कमल का बटन दबा के पूर्ण बहुमत की सरकार रिकॉर्ड मतों से बना दे। जनता के अंदर का गुस्सा साफ दिखता है, से वो मुक्ति पाना चाहते हैं। और मैं कह सकता हूं बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी शंका के, कि साफ लिखा है कि आने वाली सरकार कम से कम 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। और मैं बधाई देता हूं अपने जिलाध्यक्ष जी को, माननीय सांसद जी को, और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने शानदार प्रयास किए और इतने कम समय में इतना शानदार यात्रा को यहाँ पे निकाला है। सभी कार्यकर्ताओं का आभार, अभिनंदन। आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठाकुर साहब, आज आपकी यात्रा में जो सबसे बड़ा रोड शो था वो शाहपुरा में था, जहाँ से अभी 2 दिन पहले कैलाश मेघवाल जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता थे, पार्टी ने उनको निकाला और उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल पर बड़ा हमला बोला है, ये उसका रिएक्शन था या कैलाश मेघवाल आते जाते रहेंगे, क्या इम्पैक्ट देखते हैं सर विधानसभा चुनाव? देखिए, आपका अच्छा सवाल है,
लेकिन अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी एक परिवार के साथ बंधी हुई पार्टी नहीं। यहाँ कोई गांधी परिवार की तरह गुलाम नहीं है किसी राजनीतिक दल में, या फिर वहीं पे माथा नहीं टेकना पड़ता। ये कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव के इस कारण आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि एक गरीब माँ का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी में संभव। और अनुशासन, ये हमारी प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन हो, अनुशासनहीनता हो तो वहाँ पे कार्रवाई भी की जाए। पूर्व के बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भी अनुशासनहीनता के चलते कार्रवाई की गई। तो जब राजनीतिक दल इतना बड़ा हो कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो, निर्णय समय समय पर पार्टी करती है, उनमें से एक निर्णय ये भी है। अनुराग जी, जिस तरह से उन्होंने आपके एक साथी केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया अर्जुन राम मेघवाल पे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मेघवाल जी को बहुत वर्षों से जानता हूँ, मेरे साथ बहुत वर्षों से सांसद हैं, बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, और एक सामान्य परिवार से अधिकारी से होकर देश के केंद्रीय मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज तक पहुँचे हैं, बड़े नेता हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है उनका एक राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में बहुत बड़ा योगदान है। तो आने वाला चुनाव भारत वर्सेस इंडिया होगा या भाजपा वर्सेस इंडिया? देखिए, कुछ लोगों को भारत नाम लेने पर भी शर्म महसूस होती है, कई उसका भी विरोध करते हैं, सनातन धर्म का विरोध भी करेंगे, भारत का विरोध भी करेंगे, और उन बातों में समय लगाएंगे जहां पर बहुत स्पष्टता है। हमारा संविधान हर किसी को अनुमति देता है कि आप किसी भी धर्म, जो आपका फेथ है, आप उसको किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ाएं, आप उसको पूजा पाठ करते हैं, उस पर कोई रोक नहीं। लेकिन कुछ लोग तो सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की सोच रखते हैं। ये सोच उन्हीं लोगों की हो सकती है जो किसी के दरवाजे पर माथा टेकने का हो, एक परिवार तक सीमित हो, या अहंकार और घमंड से भरे हों। और ये घमंडिया गठबंधन, जिसको इंडी अलायंस भी कहा है, उनके नेताओं ने एक नहीं कईयों ने बार बार कहा, और इनकी सोची समझी रणनीति है, लेकिन शायद वो भूल गए, ना मुगल कर पाए ना अंग्रेज कर पाए। तो घिसी पिटी कुछ दल जो सोच को लेकर चले हैं, मैं इसलिए कहता हूँ, मानसिकता दिखाती है, बांटो और राज करो। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी सोच इनको देकर गए। देश को जवाब देना होगा कि आखिर ऐसी मानसिकता क्यों लेकर चले। आप जैसा पोटेंशियल आप राजस्थान में बता